मजारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मजारी साहब ये बताइए कि गार्डियन ये कह रही है कि जो आपके साथ वाकया हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान में वाकयात पेश आए हैं, तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता खाना जंगी की तरफ, सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, आप जो गार्डियन का खदशा है उससे एग्री करते हैं? देखें मीर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया। आपकी उस सवाल के जवाब से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको अगर नजर आ रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब है और इसमें मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ कि दैट आई विल नॉट अलाउ एनी पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस। ये मैं आखिर में पढ़ रहा हूँ, पहले तो बहुत लंबा चौड़ा है, थोड़ा टाइम भी कम होता है तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इन्फ्लुएंस माय ऑफिशियल कंडक्ट और माय ऑफिशियल डिसीजंस दैट आई विल प्रिजर्व प्रोटेक्ट डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इन ऑल सर्कमस्टांसिस आई विल डू राइट टू ऑल मैनर्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द लॉ विदाउट फेयर और फेवर अफेक्शन और इल विल। ये मैंने आपको पढ़ के इसलिए सुनाया कि मैंने जो भी किया कॉन्स्टिट्यूशन किया, इसमें किसी पार्टी का जिक्र नहीं है जी। जब हम ओथ उठाते हैं, कसम उठाते हैं, हम कसम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे उठाते हैं और उस पे मैंने कसम उठाई और उस कसम को मैंने पूरा किया जो 16 तारीख को हुआ। और जो आपका सवाल है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आप देख रहे हैं जलसों में इंस्टीट्यूशंस को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनको गालियां निकाली जा रही हैं। आप एक बात देखें, अगर आप पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में हैं तो वो पार्लियामेंट बालातर है, वो पार्लियामेंट ऊंची है। अगर आप मेजॉरिटी में नहीं है तो दैट मीन्स वो पार्लियामेंट की कोई औकात ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये दिन देखने को बचे थे? और आपने देखा पंजाब असेंबली में क्या हुआ, जिस असेंबली को चौधरी साहब ने खुद बनाया, जिस असेंबली को चौधरी साहब ने, एक चौधरी साहब का एक ख्वाब था, जिस असेंबली में आप यकीन करें एज एम पी ए मैं शर्मिंदा हूं आज जो असेंबली में हुआ और जो कुछ हुआ आपके सामने है, दुनिया ने वीडियोस देखी, दुनिया हजारों लाखों की करोड़ों लोगों ने व्यूअर्स ने देखा कि असेंबली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनकी तो इन्होंने तो ये किया कि इन्होंने असेंबली के अंदर मीडिया को इन्होंने बंद करने की कोशिश की और मुझे अदालत में ये बात कहनी पड़ी कि जी मेहरबानी करके मीडिया को अलाउ करें, वो आकर देखें क्या हो रहा है असेंबली में और असेंबली की क्या सिचुएशन है। उसमें इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको असेंबली में बुलाया गया, वरना उनको भी इजाजत नहीं दे रही थी, दे रहे थे ये लोग। आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन हुई है यहाँ पे हमारे साथ। और यहाँ पे अभी की जो सिचुएशन देखें, अभी की सिचुएशन आप देखें, यहाँ पे केओस फैलाया गया है। इमेजिन करें जिन लोगों को मैंने सस्पेंड किया अथॉरिटी, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी थी एज एक्टिंग स्पीकर, मेरे पास अथॉरिटी थी, मैंने उनको सस्पेंड किया, वही लोग जाकर गवर्नर साहब को एक रिपोर्ट पेश करते हैं कि जी असेंबली में जो डिप्टी स्पीकर साहब ने कराया वो गलत है। तो आप देखें ये हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हालात पैदा किए जा रहे हैं और कौन हालात पैदा कर रहा है। अच्छा। आपके आगे है, दुनिया के आगे है ये, ना कि मैं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया देख रही है चीजें।